हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से स्वागत है BACB पटना क्लास में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लाइव क्लास हो रहा है अभी, तो आज ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दे, ठीक है ना। इससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता चलेगा और न्यू न्यू क्लास आएगा उसके नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आप लोग आंसर देंगे, इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आंसर देख कमेंट में जल्दी, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसी तरह आंसर देते चले। चलिए इसके आंसर आप लोग बी बोल रहे, तो जी हाँ, बी ही होगा इसके आंसर, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति, ठीक है, कौन मात्रात्मक क्रांति वो नहीं है। चलिए आगे देख लेते, 3 नंबर में मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था, बताओ जल्दी। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, रीटर, रेटजेल, कुमारी सैंपल या टेलर, ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो आप लोग आंसर देंगे कमेंट में, चलिए अच्छा इसी तरह कमेंट करते चले आप लोग, और वीडियो से बने रहे। 30 क्वेश्चन है, 30 में कितना सही मारते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर इतना हमको सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग सी बोल रहे थे, सी ही सही होगा, ठीक है, कुमारी सैंपल, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, एस्ट्रोबो, टॉलमी, हैगल या रेटजेल को। तो आप लोग हम थ्योरी में पढ़ाए थे मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग जरूर कमेंट आंसर दे। चलिए आप लोग डी बोलो तो डी ही होगा, यानी कि रेटजेल, ठीक है। हम आपको थ्योरी में भी क्लास कराए थे कि रेटजेल ज्योग्राफी का क्या क्वेश्चन था, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक ना। चलिए 4 नंबर देख लेते, 9 निश्चयवाद से संबंधित कौन है। 9 निश्चयवाद से संबंधित कौन है, बोला ब्लास, हेम्बोल्ट, रेटजेल या टेलर। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट करें आप लोग, कमेंट आंसर दें। चलिए अच्छी बात, यही कमेंट कर रहे हैं, अच्छी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं, आंसर आपको डी बोल दे, डी ही होगा, चलिए टेलर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 5 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर कमेंट में। चलिए बहुत अच्छा, चलिए सी आंसर आप लोग बोला तो सी होगा आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से स्क्रीन पर आ चुका है, दिए गए कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करेगा, बोलो। सम कलात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, प्रौद्योगिक के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं या दुविधता पर आश्रित। 4 ऑप्शन इस तरह से, बहुत अच्छा कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अंदर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, बल ए नंबर, ठीक है, समकालीन यानी कि ए नंबर। इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचक का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ, देखिए, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना या प्राचीन महाकाव्य, कमेंट में आंसर आप लोग जल्दी से दे, मज़ा आ रहा है क्लास करने में ना। चलिए अच्छी बात है,
बहुत अच्छे आंसर दे रहे आप लोग, इसी तरह आंसर देते चले। चलिए लाइक भी करते चले, और इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है, प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन और मानव के बीच प्रस्तुत क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है बताओ। इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो को लाइक भी करते चले आप लोग, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, चलिए बहुत बढ़िया, आप बी बोले तो बी ही होगा, तकनीक, ठीक। नौ नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, बताओ। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग बोल रहे हैं आंसर ये, तो आपको ए ही होगा, ठीक ना। चलिए दस नंबर देख लेते हैं, दस नंबर आंसर संभाववाद दस नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, तो आप लोग आंसर कमेंट में जल्दी से दे इसका आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे दे रहे आंसर। चलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी।